हेलो, मेरा नाम तरुण है, ये है 94.3 रेडियो 1। और आज अगर आप डिफेंस में करियर बनाना चाहते हैं, दिस कॉन्वर्सेशन दैट आई एम गोइंग टू हैव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। हमारे साथ हैं मिस्टर अनीस कुट्टी। क्या आप थोड़ा सा बताएंगे कि हाउ इज इट डिफरेंट? ये जो यंगर जनरेशन है, ये मैगी खा के पैदा हुआ है, तो उनको हर चीज दो मिनट में चाहिए। Right. आप अगर कोई फिल्म का ट्रेलर भी हो ना, तो तीन मिनट के ज्यादा है तो बच्चे नहीं देखते। Right. YouTube का वीडियो भी है, मल्टीप्लाई के टू के फैक्टर में देखते हैं। तो यू नो, यू हैव टू गिव देम व्हाट दे नीड। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू नो हैव टू एंगेज देम। हाउ कैन यू एंगेज देम? व्हेन यू कनेक्ट विद देम। तो आई यूज दिस बंबईया लैंग्वेज, बॉलीवुड स्टाइल, एंड दैट बिकम्स इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड द कोलोकियल थिंग्स, एंड दैट आई हैव इंट्रोड्यूस देम इनटू द मैट्स। सो मैच में इफ आई से अमर अकबर एंथनी, इफ आई से जुगाड़, इफ आई से मारा मारी, जुगलबंदी, तो दे आर क्यूरियस टू नो अबाउट इट। सो वंस यू कनेक्ट विद देम, एंगेज देम, डेफिनेटली दे गेट एम्पावर्ड। सो व्हेन दे वंस यू अंडरस्टैंड कि अरे बहुत आसान है, तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो फिर वो एडिक्शन है। तो फिर वो गेम्स में और क्रिकेट में या मूवीज में जैसा इंटरेस्ट है बच्चों का, वैसा इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो वंस यू गेट एन इंटरेस्ट इन योर फील्ड, which is very necessary, it is. In the field of artificial intelligence, machine learning, data science, cyber security, ethical hacking, 2036 mein bagar maths ka aapko white collar job nahi milne wala. ADCA is not just about NDA, it's about maths. Correct. So if you are good in maths, you can have lot of other professions. I won't say that everybody will become an officer. Right. 1% success ratio. 8 lakh students sit for the exam, 8,000 students are selected after the entrance. Okay. The mathematics is a major factor, and only 800 after the 5 days interview. And out of that 800, only 400 after physical fitness. By God's grace, out of that 400, 8 to 9 students every 6 months is from my class. Wow. So this is an achievement. In the last 33 years, I have got 650 students as officers in the Indian Army, Navy and Air Force. And through NDA. I'm pretty sure जो आपका समझाने का अंदाज है वो एक बड़ा फैक्टर है इसमें, क्योंकि मैथ्स क्लास में जब हम जाते हैं, एनडीए में एंट्रेंस हमें चाहिए और हम किसी इंस्टीट्यूशन में जैसे एडी से पहले अगर मैं जाऊं तो मैं थोड़ा इंटिमिडेटेड रहता हूं कि पता नहीं क्या पढ़ाने वाले हैं नहीं सर, राइट? बट द मोमेंट प्रॉब्ली यू स्टार्ट टॉकिंग इन योर बंबईया भाषा या फिर कोई एक जो क्रैक कर दिया तो वो थोड़ा स्टीम थोड़ा ऑफ हो जाता है। हाउ डू यू डिस्क्राइब अ टिपिकल डे फॉर अ स्टूडेंट एट योर इंस्टीट्यूट? द डे व्हेन ही कम्स टू द क्लास, इट स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग 6 o'clock। द फर्स्ट टू आवर्स वी टीच हिम, सपोज ही इज इन द 11th स्टैंडर्ड, वी डोंट टीच हिम 11th एंड 12th, वी गो बैक, वी टीच हिम 9th एंड 10th। देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, इट इज कंडक्टेड इन 10th स्टैंडर्ड। एनीबॉडी हु वांट्स टू बिकम एन either clear JEE, NEET or NDA exam, has to first clear NTSC exam. NTSC has got stage 1, stage 2. Those who have cleared these exams are definitely going to crack all exams. So the problem with the Indian mentality is, see, we spend only 180 days in school. Aur aap dekho, aap 180 days school mein hota, 360 days mein se chuttiyan hoti Diwali ki, Dasare ki. 180 days mein ek hi din aapka, ek din mein ek hi period hota maths ka. Agar aapne achche se achcha class laga diya, ek ghanta maths ka, मेरा ये बोलना है कि 2 घंटा मैथ सफिशिएंट नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। Right. अभी आप मूवीज में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? Right. बाकी चीजों में कितना टाइम, होटल में चाय पीने में कितना टाइम स्पेंड है? 2 घंटा पढ़ लिया और आप ऑफिसर बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। Right. तो हमारा ये मेंटेलिटी है कि सुबह ये 2 घंटे का वार्म अप होता है। एथलीट जो करते ना, वार्म अप करते हैं फिर बाद में मैच खेलने जाते हैं। तो 6 to 8 इन द मॉर्निंग वी टीच देम बेसिक्स, वेरी बेसिक थिंग्स विच ही डजंट नो, वी स्टार्ट फ्रॉम द टेबल्स। वंस जितना फास्ट बॉलर रन अप पीछे जाता है उतना गेंद फेल, रन अप जितना बढ़िया होगा उतना। मराठी मराठी क्राउड है, मराठी माणूस है, तो द स्लोगन गोज पुट्स अपार्ट मार्क्स अपार्ट। तो जो जितना पीछे जाएंगे इट इज मच बेटर। सो वंस ही व्हाटएवर, सी देयर इज अ कोर्स करेक्शन, यू नो यू हैव लेफ्ट आउट लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव नॉट स्टडीड इन 8th, 9th, 10th। सो इफ यू कवर दैट विद अ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, प्रॉपर असेसमेंट मेथड, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गो वे अहेड। सो आपको जंप लेना है, स्विमिंग करना है, व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू गो बैक। सो आई डू दैट द फर्स्ट टू आवर्स, एंड ऑटोमेटिकली आई ऑल्सो फॉलो मल्टीपल बोर्ड थ्योरी, विच इज एन इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट वेयर वी हैव अ मैराथन मैट्स। इफ यू कम इनटू माय क्लासरूम, राजीव वाज देयर, एवरीथिंग इज ऑन बोर्ड। वी आस्क द चिल्ड्रन टू बाय नॉट अ पेन बट अ मार्कर पेन, एंड वी हैव गॉट व्हाइट बोर्ड्स ऑल ओवर। सो व्हेन द बॉय कम्स एंड स्टार्ट्स राइटिंग ऑन द बोर्ड, ही माइट मेक मिस्टेक्स, बट देन देयर आर टीचर्स आर देयर टू करेक्ट हिम। तो वो जब खुद करता है ना, तो वो खुद मैथ्स करना चालू हो जाएगा। स्विमिंग का किताब पढ़ा दिया आपको, स्विमिंग में ब्रेस्ट स्ट्रोक ऐसा होता है, स्विमिंग में ऐसा डाइव मारना है, और स्विमिंग में आपने पूरा पीएचडी कर लिया, टेक्स्ट बुक में आपने उसका टेस्ट भी दिया,
लेकिन आपने पानी में उड़ी नहीं मारा हाँ, तो आपको स्विमिंग आएगा क्या? नहीं आएगा. सिमिलरली आप एवरीथिंग यू डू मैथ्स इफ द टीचर इज डूइंग ऑन द बोर्ड यू विल नॉट अंडरस्टैंड. तो व्हाट वी डू इज द चाइल्ड इट हिमसेल्फ गोज टू द बोर्ड एंड डज द सम फ्रॉम 8 o'clock ही स्टार्ट्स एंड कंटिन्यूअसली गो लेट हिम गो रॉन्ग बट देन वी टीच हिम वी रेक्टिफाई हिम यू नो वी हैव गॉट 7 आवर्स वी रिपीट वी रिप्लेनिश वी रिवाइज यू नो we rethink make him remix your gaana jaisa hota hai na remix do topic ko ek sath bada diya to randomness hota hai wow so isse 7 hours ko hum follow karte hai jaisa radio ka jo r hai na wo r ko hum follow karte hai wonderful aapke jo ye innovation innovative tarike hai I'm pretty sure bahut sare students ko isse fayda hota hai if you are planning to get into nda मुश्किल काम है लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है अगर चंडाल चौकड़ी आपके साथ है और अनीस सर कैन मेक इट पॉसिबल. aneesclasses.com इज द वेबसाइट वेयर यू कैन गो एंड चेक आउट ऑल अबाउट हिम बट ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके लिए आपको उनसे जाकर के मिलना पड़ेगा. आई एम श्योर स्टूडेंट्स को तो बहुत सारा फायदा हो ही सकता है आपके आइडियाज से बट बहुत सारे टीचर्स को भी बहुत सारा फायदा हो सकता है इफ दे लिसन टू यू एंड यू नो प्रोबब्ली ट्राई एंड गेट सम विजडम नट्स ऑफ योर एक्सपीरियंस जो आपने अब तक अपने इनोवेशन के जरिए निकाला है. आजकल बहुत मुश्किल चल रहा है टीचर्स को भी बड़ा फाइट हो रहा है मतलब बच्चों को तो पढ़ने मुश्किल हो ही रहा है वो जो नए तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं उससे टीचर्स को भी काफी प्रॉब्लम हो रही है. व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द टीचर्स? फर्स्ट थिंग आई टेल द टीचर्स इज ना यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ यू अपस्किल योरसेल्फ एंड यू अपडेट योरसेल्फ. डेक्सटेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको इनोवेटिव भी होना पड़ेगा और डिसरप्टिव भी होना पड़ेगा. अगर आप डिस्ट्रप्टिव नहीं होगे तो आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. सिंपल है. इफ यू आर साइलेंट यू कैन नॉट बी वायलेंट. सी नाउ द वे यू हैव टू टीच ऑनलाइन ना बिकॉज ऑफ पैंडेमिक इट हैज चेंज्ड. द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइगर बॉम्ब एंड हेलीकॉप्टर डैड हैज कम. व्हाट इज टाइगर बॉम्ब एंड हेलीकॉप्टर डैड? ये चाइनीज टर्म्स है. चाइना में एक एग्जाम होता है जब माँ बाप छुट्टी लेके अपने बच्चों को 6th standard पढ़ाते हैं गाओ गाओ सो दैट वो बच्चा अगर वो उसको एग्जाम नहीं क्रैक करता तो ही इज नॉट एबल टू गेट इन टू वॉट ही वॉन्ट्स. सिमिलरली इन इंडिया whatever a child has to do after 11th and 12th, that the parent and the teacher has to focus right from 5th standard only. So in 5th standard, he has got, since I'm talking about defense, every district has got a Navodaya school. So you have to prepare them for Navodaya. See, India mein aise koi kanun nahi ki aapne exam crack kiya to jana hi padega. Right. But you should crack this exam. Then there is, every district there is a school called Sainik School. Hmm. In India, there are 5 Rashtriya Military Schools. India mein bahut sare gurukuls hai, jis mein aapko entrance deke admission milta hai. और बेस्ट स्कूल है इंडिया में जिसका नाम है आरएमसी जो देहरादून में. और ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया जहां के 7 ब्रिगेडियर्स इंडिया के हो चुके हैं. 6th स्टैंडर्ड का बच्चा 8 पे जाता है. Wow. So, वो लेवल का IQ हैज टू बी देयर. इंटेलिजेंट क्वेश्चन वो लेवल का तब क्रिएट होगा जब बच्चों को 5th से आप इन चीजों की आदत डालेंगे. ब्यूटीफुल थॉट. और मैथ्स जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को इतनी आसान बनाकर के अनीस ने उसमें ऐसे बॉलीवुड रेफरेंसेस हमारे बोलचाल की भाषा अपनी बम्बईया भाषा को उसमें इनकॉर्पोरेट करके उसको आसान बनाने की कोशिश की है. आई थिंक दिस अ ग्रेट लेसन फॉर मैथ्स ऑफ कोर्स एंड फॉर लाइफ एज वेल. जिंदगी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मैथ्स की जैसी लेकिन उसको आसान बनाया जा सकता है इफ ओनली वी फाइंड द राइट रेफरेंसेज अराउंड अस. मिस्टर अनीस कुट्टी हु इज द फाउंडर of Anis classes and a math magician I'll say. So thank you so much for being here and talking to us. And I want to rectify, life is very simple. Maths ko bhi simple banao. Aap jitna life ko complicate banayenge na to aapke problems solve nahi honge. Usi tarah se maths ko aap simple banao to complex problem bhi aapke liye easy ho jayega. Right, this is Anis sir's perspective on things that we have to learn. Not just maths, bahut sari aur cheeze aap seekh sakte hain. Go to aneesclasses.com. ऑफ कोर्स उनको ढूंढिए सोशल मीडिया पर हैं. आपकी जो क्लासेस हैं वो साई निकेतन कॉलोनी में विश्रांत बाड़ी में आपको मिल जाएंगी. सो थैंक यू सो मच.